हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। मैं भी ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी ठीक हों। और हैप्पी जन्माष्टमी, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन मेरी ये वीडियो जाने वाली है। तो आप सबको कान्हा जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से इस त्यौहार को आप लोग इन्जॉय करना। लेकिन क्या पता मैं आप लोगों के साथ इस दिन की वीडियो शूट करके दिखा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि इस बार शायद ही मेरे घर में जन्माष्टमी का त्यौहार मन पाएगा, क्योंकि मैं ही अकेली पूजा करने वाली हूँ। और बस वही है कि कैसे करूं समझ नहीं आ रहा कि, और किसी से करवा भी नहीं सकती। आरू जितना कर पाएगी उतना ही इस बार मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगी। तो चलिए, शायद यही कान्हा जी की मर्जी है कि इस बार वो मेरे हाथों से अपनी सेवा नहीं लेना चाह रहे हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद है ना, फिर मैं चली गई थी यहाँ ऊपर, क्योंकि ये जो टंकियाँ हैं ना, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ कि ये पीने के पानी की टंकियाँ हैं, चारों टंकियाँ। तो इन टंकियों की साफ़ सफाई की हमको देखरेख करनी पड़ती है। आप लोग कहते हैं ना कि दी आप इन टंकियों को सबसे ऊपर वाली छत पर रख दीजिए, तो पीने के पानी की टंकियों को हम सबसे ऊपर वाली छत पर कैसे रख सकते हैं? वहाँ बंदरों की गंदगी होगी और धूल मिट्टी उड़ेगी, कितना भी हो ढक्कन के थ्रू भी मिट्टी जाती है। इसी वजह से मैं इन टंकियों को इतना सेफली रखती हूँ, इतनी साफ़ सफाई से रखती हूँ, क्योंकि ये टंकियों में हम नहीं, न जाने कितने घरों के इंसान पानी पीते हैं। तो उनकी सेफ्टी, उनकी कहते हैं ना स्वच्छता का भी ध्यान हमको रखना है, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है ना जिसको हम गंदा नहीं रख सकते, और इससे अगर गंदा रखने से कोई भी इंसान बीमार हो सकता है। तो यही वजह है कि हम लोग है ना इन टंकियों को बहुत जल्दी जल्दी साफ़ भी कर देते हैं, और मैं भी इसी टंकी का पानी पीती हूँ। हमारे यहाँ पर खारा पानी है तो सबको पानी खरीद के पीना होता है, और मेरे घर में आरओ प्यूरीफायर है ना, वो बड़ा वाला जो लगा हुआ है, तो हम लोग पानी का सप्लाई का काम भी करते हैं। बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। सड़िया पूरा मैंने आज सुबह ही सही किया, पता 2 घंटे बहुत अपने गार्डन में दिया। आज मैंने ये निकाला, इसकी मिट्टी चेंज करी मैंने, और ये नए पत्ते आ रहे हैं 2-3। मैं ऐसा मूड खराब हो गया ना, एक बार तो रोने का मन कर रहा था, पता पत्ते रोली थी ना, दिक्कत थी रोली में। तुमको थोड़ी बताऊंगी कि रोई कि नहीं रोई। टंकी थोड़ी आगे सरकेगी, बोलो हट जा वहां से तू बेटा, तेरे काम नहीं है वहां पे। साफ पानी और चाहिए अंदर डालने के लिए। ये सब हटाना पड़ेगा, हट जा बोल। और नीचे ले, बस बस, इससे ज्यादा नहीं आएगी। ये अड़ गया यहाँ पे, अड़ गया पत्थर, अड़ गया। और पीछे ले, चलिए तू यहाँ से चल अंदर, गोक में आके खड़ी हो जाती है बार बार। हे आरू, अंदर नीचे जाएगा पानी। हाय हाय कह रहे हो कि मना कर रहे हो? नीचे दिखाओ। हाय मम्मी, नीचे दिखाओ, टंकी साफ करने वाले। हाँ नहीं जा रहा, मेरा गार्डन भी किया। आरू मैट उठा ग्रीन वाली, आप समझ गए मैं यहाँ पे ग्रीन मैट क्यों नहीं बिछा रही हूँ, ग्रीन ग्रास वाली मैट। मुझे पता है मेरे घर में वो सक्सेस नहीं होगी। ये रहा ना मग्गा लोटा ले लो। देखिए मैंने अभी साफ किया पानी से, और ये वाला गमला उठा के रखना है वहाँ कोने पे, मैं नहीं उठाऊंगी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। सब साफ किया, देखो यहाँ से सारा जितना भी सामान था ना सब हटवा दिया मैंने, और वहाँ उस कोने में रखा है। जब तक स्टोर रूम नहीं होगा मैं सोचूंगी सारा सामान कहाँ रखो, ये जरूरत का सामान है। ये बाल्टी, इसके अंदर मेरे गमलों की मिट्टी भरी है, उसके अंदर पूरी बाल्टी और कट्टे के अंदर खाद भरी हुई है, वहाँ भी कुछ मिट्टी रखी हुई है। तो स्टोर रूम हो ना तो सारी चीज़ों को मैं स्टोर रूम में रख दूँ, लेकिन है ही नहीं। और वहाँ पर भी पानी पहुँच दिया, क्योंकि अभी टंकी धोई थी ना तो वहाँ पर भी पानी हो गया था, सारा सुखा दिया मैंने। और सही बताऊँ ये सारा सामान क्यों मैं साफ़ नहीं कर पा रही, सब वजन की चीज़ है, ये वजन की चीज़ है, वो वजन की चीज़ है, वो कट्टा रखा हुआ है वो वजन का, मैं कैसे उठाऊँ? हल्की पूरी चीज़ होती है, जैसे ये मैंने अभी उठा के साइड में रख दिया। स्टोर रूम हो ना तो सारी चीज़ें ये स्टोर में रख जाएँ, बट है ही नहीं। सो अभी मैंने ऐसे जैसा हुआ वैसे साफ़ कर दिया। ये ब्रश ले जाऊँ नीचे, और वाइपर भी नीचे ले जाना है। मेरा पेरी गार्डन जस का तस, इसमें एक दिन पानी स्प्रे करना है। सारे घोड़े गिर गए मेरे, घास खा रहे हैं घोड़े।
इसमें भी एक दिन स्प्रे करूंगी। देखो ये वाला पौधा भी मेरा हरा रखा है अभी तक, ये भी उग रहा है। जल्दी गेट लगाना तो भूल ही गई, अभी आ जाएंगे हनुमान जी महाराज। क्या है पीछे, हाँ हो गया खराब। चलिए दरवाजा बंद, अब हम चले ना मग्गा मग्गी लेके नीचे। इससे कोई गिरेगा, मैट आधी ऐसे पड़ी है आधी ऐसे पड़ी है, मैं ही गिरूंगी, मैं ही ऊपर आती हूँ सबसे ज्यादा। लो तो पंडित जी ये लियो, क्या चाहिए काहे की कैप, ये भी लो, ढूंढ के दे रही मैं, इसमें नहीं होगी यहाँ, नहीं होगी उधर रखी होगी, यहाँ नहीं होगी, दरवाजे पे रखी होगी। तो ऊपर छत पे काम करते करते अंधेरा सा हो गया, यानी संध्या का टाइम हो गया है। तो ना ऊपर हमने टंकी साफ़ की ना, तो थोड़े बहुत पानी के छींटे नीचे आ गए थे, तो इनको भी मैं अभी साफ़ करूँगी, और साफ़ करने के बाद फिर मैं ना जाऊँगी किचन में अपना खाना वगैरह बनाने के लिए। तो सब्जी बनाकर मैं रख देती हूँ, और जब रोटियाँ सब लोग खाएंगे तब बना दूँगी। तो आज तो लौकी की सब्जी बनाई थी, और सुबह मैंने चावल बनाए थे, तो चावल भी काफ़ी रखे हुए हैं, अगर कोई खाएगा तो ही रोटियाँ बनाऊँगी, नहीं तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ना बनाऊँ। तो यहाँ पर है ना मैं बना रही हूँ आज चने की दाल की जो सब्जी बनती है ना लौकी की, वो बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ में, मुझे और जय को तो बहुत पसंद है। और अब पता है मेरी आरू भी खाने लगी है, उसको मैंने एक दिन डांट के खिलाया ना तो वो भी खाने लगी। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया, तो मैंने जीरा हींग और प्याज सारी चीज़ें डाल दी, और उसके बाद प्याज भी जब भुन गई तो बेसिक मसाले डाल दिए स्वाद के अनुसार, जितनी सब्जी है उसके हिसाब से डाल दिए, और सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मसाले में डाल दिया है पानी, क्योंकि पहले मैं डालूँगी दाल, जो चने की दाल होती है ना वो मैं यहाँ पे डालूँगी। मसाले में पानी डालने के बाद भी आपको काफ़ी भून लेना है, जैसे कि आप दिख रहा है ना आपको कि कितना ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल रख दी थी दोपहर में ही भिगोने, तो उस दाल को डाल दिया, उसके बाद लौकी डाल दी। और अब थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि ये चने की दाल की सब्जी है, और चने की दाल है ना ये काफ़ी टाइम लेती है पकने में। अगर आप कुकर में बनाते हो तो जल्दी बन जाती है, लेकिन कुकर में है ना सब्जी में वो टेस्ट नहीं आता जो कि कढ़ाई में आता है। और आज लोहे की कढ़ाई है ना, साफ़ करने का टाइम नहीं था, तो मैंने इस अपनी पुरानी वाली कढ़ाई में खाना बना लिया। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 1-1.5 कप के करीबन पानी, और इससे क्या है कि चने की दाल है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, जो हार्ड है ना वो सब चला जाएगा। और नमक डाल दूंगी और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद मैं जाऊंगी अपने मंदिर में शाम की पूजा करने के लिए, क्योंकि शाम की पूजा ज़रूरी है, और कल है जन्माष्टमी। सो चलिए चलते हैं मंदिर। तो देखिए यहाँ पर मेरे मंदिर में पूजा हो चुकी, क्योंकि पूजा करते समय मैंने वीडियो शूट नहीं की, डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, ढंग से पूजा नहीं कर पाते हैं। सो आज मैंने फिर से अपने ये बार ठाकुर जी को पुराने वाले बाल लगाए हैं, नए वाले कल लगाएंगे जन्माष्टमी के दिन। सो चलिए कल क्या पता मैं वीडियो शूट कर पाऊंगी कि नहीं, कुछ नहीं मालूम अभी। मैं आई हूँ अभी बर्तन मांजने, ढेर सारे भाई, इस मटकी में अचार आया था, देखो अभी आप उड़ गई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको यूं करके पकड़ा ना तो ये पूरी फुट गई। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी पौधा मैं इसमें लगाऊंगी पौधा, नीचे से मैंने ऑल कर दिया है, और इसके अंदर ये जो किचन वेस्ट है ना सारा, ये प्याज टमाटर आलू ये सारी चीजें इसके अंदर भर के रखूंगी, फिर मट्टी डालूंगी, फिर पौधा लगाऊंगी। और वो पौधा इतना अच्छा ग्रोथ होगा ना, उसमें 1 साल तक के लिए कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें हम ये किचन वेस्ट डालते हैं उसमें। मैंने मेरे एलोवेरा के पौधे में 1 गड्डी पालक के पत्ते डाल दिए थे, कुछ आलू प्याज के छिलके विलके जो भी थे सब डाल दिए थे। आज तक शायद 1 साल से ज्यादा होगी मैंने एलोवेरा में कोई खाद नहीं दी, और मेरा पौधा छोटे से गमले में इतना ज्यादा हो रहा है ना कि संभल भी नहीं रहा उस गमले में। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, चलिए। सो इसके अंदर देखो मैं क्या क्या डालती हूँ, इधर आओ। तो मैं डाल रही हूँ ये जो टुकड़े टूटे है ना ये सारे इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए देखो। और मेरी किचन को अभी अवॉइड करना, क्योंकि इसी को मैं साफ करने आई थी, तो मैंने कहा कि चलो पहले इसको भी कर लेती हूँ। ये जितने भी ये टूट गई थी अपने आप ही, मटकी टूट गई थी तो ये इस तरह से मैंने पकड़ी ना तो पूरी हाथ में आ गई, तो इसके जितने भी टुकड़े हैं ना ऐसे करके डाल दूंगी इसी में, ठीक है। इसके बाद ये कागज ये सब डाल दूंगी, और इसके बाद यहाँ पे डालूंगी मिट्टी, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ऊपर। तो इस तरह से हॉल किया, सारे ये जो है ना मटकी के टुकड़े ये डाल दिए, कागज डाल दिए, और इनको भी अभी इसी में डाल देती हूँ मैं,
तो ये किचन वेस्ट है ना, फालतू में हम सड़क पे फेंकते हैं, इससे तो अच्छा है कि ऐसे डाल दें। और मैं तो ज्यादातर गाय को दे देती हूँ, हमारे वहाँ तो गाय खा लेती है इन चीजों को। मैं इसको कचरे में बहुत कम ही फेंकती हूँ। और ये बीज है खजूर के, इनको भी डाल दूंगी। मेरे दो पौधे उग चुके हैं खजूर के, मैंने बीज इस तरह से डाल दिए ना, आपको दिखाऊंगी ऊपर चल के। अभी ये डाल दिए और अब ना पहले बर्तन कर लूं, फिर चलते हैं ऊपर। दिखाऊं तुझे वीडियो में? हाँ। क्या दिखाएगा फिर? हेयर स्टाइल? हाँ। मोलू अपने आप अपनी हेयर स्टाइल करके आया, दिखा कैसे? दिखा, नीचे कर चेहरा ऐसे, आधे बाल ऊपर जा रहे हैं आधे बाल ऐसे, लेकिन अच्छा लग रहा है ऐसे ऊंचे बाल काट के। आज मैंने बहुत सारा तेल डाला इसके बालों में, सरसों का तेल है ना मोलू? हाँ। और सरसों के तेल से ही मोलू के बाल अच्छे रहते हैं। और चलिए अब आ जाते हैं हम अपने किचन वेस्ट पे। पूरे बर्तन मैंने धो के साफ कर दिए, ये देखो, और दो डब्बे अभी और आ गए धुलने के लिए। आज क्या? ओ बेटा गिर जाएगी मटकी, वैसे भी फूट रही है, ये मरे बाबा बोल रहे हैं, इनको लेके चलते हैं ऊपर। अच्छा अच्छा, ये मेरे पीछे पीछे आएगा। अच्छा आगे चलेगा, चल। तो अभी रात का टाइम है, मैं पौधा वौधा तो नहीं लगाऊंगी कुछ भी। हाँ देखो 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 देखो, इस छोटे वाले गमले में है खजूर का पौधा, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना भूल गई। इसको ला के रख देती हूँ यहाँ पर, इसको करूंगी कलर वलर करूंगी ताकि ये चल जाए। अरे परेशान नहीं किया कर मोलू, लेकिन एक रिस्क वाली बात है, पता है क्या है? ये जो बाल्टी है जिसके अंदर मैंने मिट्टी भर के रखी है ना, इसमें मेरी हाथ डालने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतना बड़ा, इससे भी बड़ा होगा, और इतना मोटा केंचुआ है। सच में है, मैंने गमले में से मिट्टी पलटी ना तो इतना बड़ा निकला, मैं डर गई, मैंने कहा सांप आप तो नहीं है, लेकिन वो केंचुआ था। अब इस मिट्टी को मैं हाथ से तो ले नहीं सकती, पन्नी से भी नहीं ले सकती। कोई चीज चाहिए मुझे, क्या लाऊं ढूंढ के, क्योंकि मुझे इस मिट्टी को इस मटके में डालना है। कुछ ढूंढ के लाती हूँ, ये रही, इस प्लेट से ला लेंगे मिट्टी इसके अंदर, ये देखो मेरे पास आ जा। अभी जय होते हैं ना तो मुझे डालते हैं, सारे दिन बोले तेरे पे ये सारे काम धाम काम ही रहते हैं। बदबू आ रही है, ये मिट्टी मेरी बहुत अच्छी मिट्टी है, इसके अंदर खाद डली हुई है, इसके अंदर केंचुआ है, मैं चाह रही हूँ केंचुआ इस मटकी में आ जाए ना तो और भी अच्छा रहेगा। मैं इसके अंदर कोई ऐसे चीज नहीं डालना चाहती कि जिससे केंचुआ वो मर जाए, केंचुआ की वजह से ही नहीं ये मिट्टी इतनी अच्छी हो रही है। ये रही, ये मम्मी, हाँ बेटा आ गया, ये आ गया आ गया आ गया, डाल दिया मैंने। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. बेटा बिना केंचुए के कुछ ना होगा। इसलिए मैंने हाथ नहीं डाला था, मुझे पता था इसमें क्या है। और इस मटकी को कल करेंगे कलर हो जाएगा। चलो किचन वेस्ट है ना, अब ये केंचुआ उस किचन वेस्ट को ना बहुत अच्छे से क्या करेगा, खा खा के खाद बना देगा। नॉर्मल और देसी भाषा में मनी प्लांट मिली। अब रात हो गई है इसलिए मैं पौधों को छेड़ने वाली नहीं हूँ। चले, ये पौधा मेरा सूख रहा है, पता है क्यों? इसको धूप चाहिए, ये फुल सनलाइट का पौधा है।
जो कि फुल सनलाइट मिलती नहीं है। अब सारे पौधे मेरे मांग रहे हैं पानी, सो गए सारे पौधे, अभी ये मांग रहे हैं पानी। एक आध दिन में बारिश पड़ जाए तो अच्छा है, क्योंकि बारिश का स्टोर किया हुआ पानी है ना वो खत्म हो गया, फिर मुझे नॉर्मल पानी डालना पड़ेगा आरओ का। चलें लाइट भी बंद कर दें और अपने हाथों को धो लूं। हालांकि मैंने छुए नहीं है मिट्टी विट्टी कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथों को धोऊंगी। अब हाथ साफ किए तब अच्छा लगा, बहुत डर लगता है मुझे केंचुए से, हालांकि मुझे पता है वो कुछ नहीं करता, लेकिन घिन लगती है। लेकिन मेरे पौधों को इससे बहुत फायदा होगा, मस्त खाद बनेगी, मुझे खाद खरीदने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि जिस गमले में जिस मिट्टी में केंचुआ होता है ना, वो ये माना हो कि 50-60% तो खाद है ना वो खुद ही बना देता है। सो चलते हैं फिर से किचन में, लेकिन अभी काम करके आई हूँ ना मैं केंचुआ वाला, तो किचन में जाने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ी देर हाथों को ऐसे ही रखूंगी और उसके बाद जाएंगे। और तू कितनी नमकीन खा रहा है, बीमार है, पूरा नमकीन का पैकेट लेके घूम रहा है, और इसमें इतनी सी नमकीन है उसको लेके घूमता रहता है, खाता भी है नहीं। चलो थोड़ी देर बाद जाएंगे किचन में। तो आज मैं बैठी हूँ मेरे घर के बाहर और मेरे हाथ में है 5 रुपए, पानी दे रही हूँ और अभी खाना नहीं बना है। और ये जब से इसको बुखार आया ना ये मेरे से चिपकी रहती है। आजकल आप लोगों को मेरे पास मोलू नहीं दिखता होगा, ये दिखती रहती है, जंप कर रहा है। क्यों मोलू, मोलू जंपिंग जगह पे जंपिंग, वो दिख रहा है ये, हट हट हट, दिखा 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 दिखा, क्यों पलंग पे जंप कर रहा है, हैं मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, जंपिंग जंपिंग। चलो वीडियो को एंड करो सब लोग, चलो वीडियो को लाइक करना, नहीं 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 वीडियो, चलो कुछ नहीं, लगी 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 लगी, चलो वीडियो को लाइक करना, बाय बाय, सब्सक्राइब करना, 1 लाख में 500 कम है, सब ने करिए सब ने करिए, तभी तो तू नजर आई है, तभी तो तुझे नजर लगी है। चलो बाय बाय। और आपके जय भैया तो गए आगरा, वो है ही नहीं यहाँ पे, जब आएंगे इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, पानी भी बेच रहे हैं और उनका इंतजार भी कर रहे हैं। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah.